हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर, जहाँ हम देखे वहाँ तक लगाए। चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हम तो जाएंगे। खबरों से निकल चुके हैं तो कुछ भी हो जाए घूमना ही पड़ेगा। नहीं है, हम जो प्लान करके आए वो हम सक्सेसफुल बना के जाएंगे। गढ़काली का शक्ति पीठ, गढ़काली का शक्तिपीठ पे माता सती के जहाँ होट गिरे थे उस स्थान पे मैं ये पहुँच चुके हैं। और इसी के राइट साइड पे है स्थिरमन गणेश। स्थिरमन गणेश जब भगवान राम जी वनवास के दौरान उज्जैन की यात्रा पे आए थे तो यहाँ पर माता सीता ने स्थिर उनका मन स्थिर रखने के लिए स्थिरमन गणपति की स्थापना करी थी। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उज्जैन के। आप उज्जैन आए तो इनको जरूर घूमें। जय श्री माता। अभी हम गणेश के मंदिर के अंदर जाएंगे, उसके बाद माँ का दर्शन करेंगे। होली क्या सा जगन्नाथ धाम जगन्नाथ जी है प्रभु, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ हे प्रभु, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ। यहाँ पे एक गौशाला है मंदिर के पास। चारा दो आ जाए। सभी को एक एक दे दो। मैं भी दे रही हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। वीडियो के लिए दे रहे हो तुम? मेरी वीडियो बनाओ। यहाँ पे आके दो ना, उनके पास भी रखो, सबके पास एक एक रख लो। काजल और एक रख लो वहाँ उसके पास। दोस्तों कभी भी आप यहाँ पे माता जी का दर्शन करने आ रहे हो, गणेश जी का है यहाँ पे श्रीमद गणेश, तो उनके पास यहाँ पे गौशाला है। गौशाला में आपको चारा भी खिला सकते हो। चारा यहाँ पे 20 रुपया ले रहे हैं, तो हम लोगों ने तो खिला दिया फिलहाल के लिए यहाँ पे। ठीक है, अभी हल्का बारिश हो रहा है, हम आगे के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 5 गो माता है। तो बाकी हम आगे फिर आपसे बात करेंगे। गणेश जी का मंदिर का दर्शन हो गया। अभी हम गढ़कली का मंदिर सामने है वहाँ भी जा रहे हैं। अभी बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं लोग भी थोड़ा कम हो गए हैं। अभी हम माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और
दोस्तों माता जी का दर्शन हो गया। ये मंदिर के पीछे का साइड है, बारिश हो रहा है अभी, तो अभी हम निकल रहे हैं आगे। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से भी गया, चलो यहाँ से। अरे भैया एक लाइन चलने दो रे, बाकी रास्ता उधर से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ आप लोग, वो रास्ता भी उधर से निकल जाओ। चलो चलो चलो, मैं घूम के है। दोस्तों हम लोगों ने गढ़काली का अभी घूम लिए है, बट बारिश जो है लगातार हो रहा है। कोई बात नहीं, बारिश का मौसम अच्छी बात है, गर्मी से छुटकारा, बट अच्छा हुआ हम गणेश जी का भी दर्शन कर लिए है। आगे अभी कौन सा जाएंगे भैया? काल भैरव। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट काल भैरव, तो अभी देखेंगे कितने वहाँ पे भीड़ होगा, लाइन भी होगा वहाँ पे, बाकी आगे मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बने रहिए। आगे बारिश का मौसम, नजारा बहुत अच्छा है। नजारा है, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, खिसकता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे बंदर लोग बैठे अंदर, वो बंदर बंदर है, बैठे खा रहे। ये देखो क्या मस्त नजारा है। ये सिप्रा घाट का नजारा आप लोग देख रहे हो, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में आए थे। हाँ तो बोला था 2-3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में। जाओगे इधर से और आओगे इस वाले गेट से, इसके लिए डबल नहीं आना पड़ेगा आपको। कैरी बैग में रख देता हूँ मैं, आपको परेशानी नहीं होगी, है ना? पुश टू पिन में रख दूंगा। सर ऐसे चढ़ा देना वहाँ पे आपको। भैया कितना लाइन होगा अंदर? अभी जाम है, एक घंटा लगेगा। एक घंटे? ये क्या है? ये शाही प्रशाद है। अच्छा, कर दो कर दो कर दो। हो गया ना, चलो। तो भयानक बारिश हो रहा है आज, फिर भी हम जा रहे हैं मंदिर काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, साथ हम लोगों ने ले लिए है। क्लिक करना है ये व्लॉग, तो अभी हम चलते हैं अंदर। बारिश तो अब देख सकते हो। ये तो हिंदी में जा रहा है, बट हाँ उसी में ही। Thank you.
दोस्तों अभी हम काल भैरव की यात्रा में, बारिश ज्यादा है, आप देख सकते हो कितने जाम है, बिल्कुल बारिश में भीग ही रहे हम। इधर भी तो बच्चे हैं लोगों के, हाथ लगा के रखा ऐसे करके चलूंगा। लोग बारिश में भीग गए, अब कुछ ही दूर आए काल भैरव जी का मंदिर। आज बारिश का मौसम और देख सकते कितना भीड़ है आज। इधर की फर्स्ट से चढ़ के निकलेंगे उधर से पीछे छोड़ी आगे दोस्तों, और थोड़ी दूर बचा है भगवान जी का दर्शन कर लेंगे। बारिश भी कम हो गया है, देख सकते हैं कितना जाम है, और यहाँ पे कुछ व्यवस्था ही है नहीं सिक्योरिटी का, ना कोई लोग लाइन में आते हैं, बट बाकी जो श्रद्धालु है वो तो भगवान के नाम लेके बस आ गए और 10-15 मिनट लगेगा हमें भगवान जी का दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या चीज है मतलब, ये पे दीप जलता है ना, दीप ऊपर तक जलता है, काउंटेड हो गया ना, पता नहीं देखना होगा। ये पूरा दिया कब जलता होगा, ये जागर में शाम को सारे जलता है, काफी अच्छा खेल लगता होगा आलती आलती के टाइम। हर हर महादेव, थोड़ी दूर गांव का लैंग्वेज भी एक होता है ना, जैसे हम लोग का उसी आपकी जगह वेट कर रहे हो। जय हो, जय हो। रखो रखो अपने पास रखो, जय हो, 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 जय हो
गुरु बाबा की जय, बोल काबिर बाबा की जय, बोल काशी के गुरुद्वार की जय, बोल उज्जैन सरकार की जय। इधर बाहर आओगे तो भीड़ पड़ेगी, उधर तो भगवान जी को मोबाइल हो गया है। बारिश लगातार हो रहा है और देख सकते हैं पीछे के साइड में बिल्कुल लगाए भीड़। दोस्तों अब काल भैरव जी से हम लोग ले रहे हैं विदा। बारिश कंटिन्यूसली हो रहा है, दो मिनट छोड़ रहा है फिर हो रहा है, पूरा भीग गए हैं और ज़्यादा भीड़ था। अब भैया आगे एग्जिट गेट में, तो अभी हम लोग निकलते हैं, फिर मिलेंगे आगे, देखते हैं प्रभु का क्या कृपा है। श्री महाकाल। जानकारी है, आप लोग जिस मंदिर पर आए हो ना, ये भगवान नौ ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्म भूमि है मंगल की। जैसे महाराष्ट्र में शनि सिन्नापुर में शनि ग्रह का मंदिर है ना, इसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब युद्ध में शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पे गिरा था, भूमि के गर्भ से महामंगल भगवान की उत्पत्ति, इसलिए शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। अंदर आप लोग अभी जाओगे तो वाजू में एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि महामंगल की माता का है, माता प्रकृति का मंदिर है। और ये मंदिर बना है पूरे पृथ्वी की नाभि स्थल पर, इंसानों का नाभि होता ना, ऐसा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। कर्क रेखा पे विराजमान है मंगल, कर्क रेखा इसी मंदिर से निकली है, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ, महाकाल पे दूध जल बेलपत्र चढ़ता है, उनके सेनापति द्वारपाल काल भैरव को मदिरा है, और नौ ग्रह के सेनापति मंगल को एक अनाज का दान चढ़ता है। दान में चढ़ता है मंगल भगवान को गेहूं, मसूर, लाल कपड़ा, एक लाल सिरिपन, पुष्प, प्रसाद के अलावा ये पंचदान अपने हाथों में लेना, नाम राशि बोल के चढ़ाना। चढ़ाने का आपको यंत्र मिलता है घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माला देंगे घर में, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले पेड़ भी सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, प्रसाद घर के देंगे, पांच सामग्री चढ़ेगा, पांच सामग्री घर के देंगे। परिवार का पूजा लेते हैं 150 रुपए का आता है, छोटी पूजा लेंगे तो 100 रुपए का आता है। ये श्रृंगार दान है, जो अनाज का दान चढ़ा रहे थे, उज्जैन की यात्रा पूरी मंगल में के लाती है, बाकी उज्जैन में परिवार के नाम से प्रसाद कहा भी नहीं चढ़ेगा। आए हो दान करो अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैमिली के नाम से। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। भैया जी ने अभी सारे जानकारी दे दिए मंगल ये मंदिर के बारे में। अभी हम जाएंगे अंदर दर्शन करेंगे, फिर मिलेंगे आगे में रख सकते हैं। दुकान, मंदिर, ऑफिस, घर में पूजा स्थल पे लक्ष्मी प्राप्ति के रख सकते हैं। चढ़ाने की यंत्र को दुकान, मंदिर, ऑफिस, घर में पूजा, मंगल का 21 लोग अधिपति, जैसे धन संबंधी, भूमि संबंधी, विवाह संबंधी, कोई सरकार रुक रहा है, दुकान, मंदिर, ऑफिस, घर में पूजा स्थल पे लास्ट फोटो यंत्र वो अंदर है, लंबा है क्या? वो मास्क पड़ रहे भाई, कहाँ पे जाएंगे? काजल और वो कहाँ है? पीछे है।